हेलो गाइस एंड वेलकम टू लॉर्ड नोज, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर फन, मस्ती एंड अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं थैनोस रिटर्न्स कॉमिक बुक का सेकंड एपिसोड। तो अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो इस सेकंड एपिसोड के पहले उसे जरूर देखें। इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए गाइज, अब हम आपको सुनाते हैं इस कॉमिक बुक की कहानी, बिकॉज लॉर्ड नोज एवरीथिंग। कहानी की शुरुआत में हमें न्यूला नाम का एक प्लैनेट दिखाया जाता है। ये प्लैनेट जरूरतमंद और बीमार लोगों के लिए एक जन्नत की तरह था, और सेंट्रॉन सिस्टम में बसे इस प्लैनेट ने कभी जाना भी नहीं था कि वॉर क्या होती है। और इस प्लैनेट पर ढेर सारे एक्सोटिक प्लांट्स मौजूद थे, और इन्हीं खूबसूरत प्लांट्स की वजह से ये प्लैनेट पूरी गैलेक्सी में मशहूर था, क्योंकि इन प्लांट्स में मौजूद है मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज। इस प्लैनेट की जैसी और कोई दूसरी जगह नहीं थी, ना ही इतनी सुंदर, ना ही इतनी मजेस्टिक। और इसीलिए पूरे यूनिवर्स से कई सारे एलियंस यहाँ आते ताकि यहाँ की मेडिसिन से हील हो सके। और इस प्लैनेट की तरह ही यहाँ के रहने वाले लोग भी बेहद खूबसूरत थे, और वे बिल्कुल मॉन्क्स जैसे थे। वे बेहद दयालु और उदार थे, और उनके जीने का सिर्फ एक मकसद था, दूसरों की मदद करना। और इसीलिए टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ कोई परेशानी नहीं आई, और यहाँ के लोगों को पॉल्यूशन का कभी सामना न करना पड़ा। और इनके विलेजेस हजारों साल पुराने थे, और यही वे अपना सारा नॉलेज अपनी यंग जनरेशन को ट्रांसफर करते। और जब यहाँ के एल्डर्स बूढ़े हो जाते तब यंग लोग उन्हें नर्स करके उन्हें नेक्स्ट लाइफ तक पहुँचाते, और माना जाता कि उनकी स्पिरिट्स को यहाँ की सॉइल अब्सॉर्ब कर लेती और फिर वे रीबॉर्न होते। और इन सभी वजहों से शायद ही कोई और ऐसी जगह हो जो न्यूला जितनी पीसफुल हो। पर फिर वहाँ पहुँचा थैनोस, और थैनोस अभी नाखुश है क्योंकि ये मैड टाइटन अभी मर रहा है, और यहाँ तक कि न्यूलंस भी उसकी मदद नहीं कर पाए, और उनका हजारों साल का नॉलेज भी थैनोस को ठीक करने में काम नहीं आया। और इसीलिए हम देख ही सकते हैं कि थैनोस ने उस पीसफुल प्लैनेट को बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाई जाती है एक स्पेसशिप जिसमें कुछ एलियंस कलेक्टर के लिए कार्गो लेकर जा रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें सामने नजर आती है एक पायरेट शिप, और उनमें से एक पहचान जाता है कि ये कोई साधारण पायरेट शिप नहीं है, बल्कि इस शिप में है नेब्यूला। और वे उस पर ओपन फायर करने लगते हैं, क्योंकि अगर कलेक्टर तक उसका सामान नहीं पहुंचा तो वो इनको खत्म कर देगा। अब हमें दिखाई जाती है नेब्यूला, जिसने अभी रिसेंटली ही ये शिप किसी से खरीदी है, और वो कहती है कि अगर इसने ठीक से काम नहीं किया तो वो चाहे जहां छुप जाए मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी और खत्म कर दूंगी। और अब वो अपनी शिप की ऑटो पायलट से बात करती है, और उससे कहती है कि मुझे इसी स्पीड से इसी डायरेक्शन में जाना है, ये बात तुम भूलना मत। और ऐसा कहकर नेब्यूला शिप से बाहर कूद जाती है, और शिप की ऑटो पायलट उसे जवाब देती है, भूलना मेरी प्रोग्रामिंग में ही नहीं है। और अब नेब्यूला उस दूसरी शिप में अंदर जाती है, और वहाँ के एलियंस को इमोबिलाइज करके उस कीमती कार्गो को ले लेती है। और अब वहाँ से भागकर वो अपनी शिप में आ ही रही होती है कि रास्ते में उसकी टक्कर होती है एरोस से, और वो उसे वहीं पकड़कर कहता है, वैसे तो तुम्हारे साथ यहीं रहकर तुमसे बात करने की मेरी बड़ी इच्छा है, पर मेरा वो दोस्त थोड़ा इंपेशेंट है, तो क्या तुम चुपचाप हमारे साथ टाइटन की तरफ चलोगी? तो नेब्यूला कहती है ठीक है, पर ये शिप अभी एक्सप्लोड होने वाली है, तो यहाँ से जल्दी निकलो। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, और हमें शियार एम्पायर का एक मून दिखाया जाता है जिसका नाम है गिलग्राथ। और इस मून पर अभी अभी एक स्पेसशिप उतरी है, और हमें बताया जाता है कि दो सोलर साइकिल पहले गिलग्राथ यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट का घर बन चुका है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट शियार एम्पायर के प्रोटेक्शन में आकर यहाँ काम कर रहे हैं। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि थैनोस अब यहाँ आएगा, लेकिन अब सचमुच थैनोस वहाँ पहुँच चुका है, और अब वो उस फैसिलिटी में अंदर आने लगता है। लेकिन बाहर कोई उसे रोकता है और कहता है, तुम इस तरह अंदर नहीं आ सकते। तो थैनोस उसे वहीं मारते हुए कहता है, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। और थैनोस जैसे ही उस जगह पर अंदर घुसता है, हमें पता चलता है कि वो यहाँ क्यों आया है। और थैनोस के सामने मौजूद है टाइटन का मेंटोर यानी कि अलारिस, और अलारिस थैनोस को देखते ही चौंक जाता है, और थैनोस उससे कहता है, हेलो फादर, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तो अलारिस उसके ऊपर थूकते हुए उससे कहता है, खुशी? और अब अलारिस की हिम्मत देखते हुए थैनोस उससे कहता है कि मैं तुम्हें कई सारी चीजें बुला सकता हूँ, पर डरपोक वो तुम नहीं हो, और तुमने यहाँ जो ये बनाया है ये बहुत इम्प्रेसिव है। तुम जानते हो फादर, हम दोनों ही ज्यादा अलग नहीं हैं। एक समय मैंने भी सोचा था कि मैं भी तुम्हारी तरह साइंटिस्ट बनूंगा। इस पर अलारिस उससे कहता है, पर तुमने चूज किया एक मॉन्स्टर बनना, और तुम यहाँ क्यों आए हो थैनोस? ये सभी लोग साइंटिस्ट हैं, और तुम्हारे पास भी इन्हें मारने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तो इस पर थैनोस उससे कहता है, इसका जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे कोई रीजन की जरूरत नहीं है। पर इन साइंटिस्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ढूंढो। तो इस पर मेंटोर उससे पूछता है, क्या तुम बीमार हो? तो थैनोस कहता है, हाँ, भले ही ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता हो, पर ऐसा ही है।
मैं खुद को वीक होते हुए फील कर सकता हूँ और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इसका कारण क्या है। अब मैं साइंस से अनजान तो नहीं हूँ, पर जब इसका कारण ढूंढने में मैं फेल हो गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में तुम मेरे सुपीरियर हो। तो अब यह सुनकर अलारस उसे कहता है, अच्छा तो अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए, पर अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम सचमुच एक मैड टाइटन हो। तुमने मेरी वाइफ को मारा है थेनोस, अपनी माँ को, तुमने टाइटन को खत्म कर दिया, तुमने कितने सारे वर्ल्ड्स को तबाह किया, कितने लोगों का खून किया। अगर तुम मरते हो तो मैं तुम्हें खुशी से मरते हुए देखूंगा। तो इस पर थेनोस उससे कहता है, अगर ऐसा है तो आज तुम सिर्फ मुझे ही मरते हुए नहीं देखोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी बाहर क्या हो रहा है। इस जगह का हर आदमी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि मेरे लोगों ने सारी शिप्स को डिसेबल कर दिया है, और जल्द ही वो समझने वाले हैं कि यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं, और इसीलिए तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा, वरना मैं यहाँ सभी को मार दूंगा और तुम्हें उनकी लाशों के बीच अकेला छोड़ दूंगा। अब हम यहाँ जानते हैं कि थेनोस यहाँ सिर्फ भपकिया नहीं दे रहा है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, और इसका एग्जाम्पल है टाइटन, उसका होम वर्ल्ड जो उसने खुद ही तबाह किया था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइटन ही ले जाया जाता है, जहाँ पर द चैंपियन अब एरोज और नेब्यूला को लेकर पहुँच चुका है। लेकिन अब एरोज और नेब्यूला आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, और जब चैंपियन उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है तब नेब्यूला कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं आखिर तुम लोगों के साथ यहाँ आई ही क्यों होगी। लेकिन तभी उसके सामने आता है थेन, और वो नेब्यूला से कहता है, नेब्यूला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल वर्थ होगा। और अब पीछे से एरोस थेन को ग्रीट करता है, तो थेन कहता है, हमें मिलना ही था, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। अब वे सभी अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन नेब्यूला नहीं बैठती और कहती है, मैं खड़ी ही रहूंगी। तो यह सुनकर एरोस कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम कुछ भी नॉर्मल कर ही कैसे सकती हो, पर इसके उल्टा मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई थेन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पर अब तुम बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो थेन उससे कहता है, ये बहुत सिंपल है, हम थेनोस को मारने वाले हैं, तुम्हारे भाई को। तो यह सुनकर नेब्यूला कहती है, ये बेवकूफी है, इस पूरी गैलेक्सी में कई सारे ऐसे लोगों की कब्र खुदी हुई है जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश भर की है। तो अब चैंपियन बीच में आता है और कहता है, तुम थेन की बात सुनो तो सही, अभी चीजें बदल चुकी है, थेनोस अब कमजोर हो चुका है। और थेन आगे कहता है, तुम भले ही इस बात पर विश्वास मत करो, पर यह सच है, मुझे पता चला है कि थेनोस अब मर रहा है, और हर दिन वो और कमजोर होता जा रहा है, और अभी यूनिवर्स में अपना इलाज ढूंढ रहा है, पर इससे पहले कि उसे कोई इलाज मिले हमें उसे खत्म करना होगा। तो यह सुनकर नेब्यूला कहती है, अच्छा तो तुमने हमें क्यों बुलाया, इस पूरे यूनिवर्स में तुमने सिर्फ हम तीनों को ही क्यों चुना। तो इस पर थेन कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, और इस काम में जितने लोगों को मैं इन्वॉल्व करता उतना ही इस प्लान के फेल होने के चांसेस बढ़ते, इसीलिए मुझे इस टीम को छोटा रखना था और इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक बनाना था, और इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है रोज। तुम थेनोस के भाई हो, पर पूरी जिंदगी तुम अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे और प्रिटेंड करते रहे तुम ये नहीं हो। इस पर एरोज उससे पूछता है, अच्छा तो मेरी असलियत क्या है। तो थेन उससे कहता है, तुम अंदर से एक हीरो हो, एक जमाने में तुम स्टार फॉक्स हुआ करते थे, एक एवेंजर, और अब समय आ गया है कि तुम दोबारा वो बनो। और नेब्यूला तुम यूनिवर्स की सबसे डेंजरस औरतों में से एक हो, पर तुम्हारे लिए कभी काफी नहीं रहा, तुम चाहती थी कि सभी तुमसे डरे, और इसलिए तुमने खुद को थेनोस की ग्रैंड डॉटर बोला, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी चाह यही थी कि सभी तुमसे डरे। पर इसके बदले में थेनोस ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और फिर तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, और अब तुम एक साधारण सी चोर बनकर रह गई। तो अब यह सुनकर नेब्यूला हंसती है और कहती है, तुम्हारी स्पीच तो अच्छी है पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर थेन उससे कहता है, तुम इस बारे में सोचो, तुम अब कभी थेनोस के साथ नहीं हो सकती, पर अगर तुम उसे हरा दो तो तुम सच में ग्रेट बन जाओगी। तो इसके बाद अब एरोस चैंपियन से पूछता है, तुम काफी चुप बैठे हो, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है। तो चैंपियन उससे कहता है, मुझे थेन का एक एहसान चुकाना है, बस इतना ही, इसके बारे में मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, पर हाँ यहाँ थेन सच बोल रहा है, अगर थेनोस को खत्म कर दिया तो फिर मैं सचमुच में द चैंपियन बन जाऊंगा। तो अब एरोस थेन से पूछता है, थेन तुम भी बहुत पावरफुल हो, और अगर थेनोस सचमुच में वीक हो चुका है तो तुम खुद ही उसे क्यों खत्म नहीं कर देते, तुम्हें हमारी जरूरत ही क्या है। तो थेन उसे बताता है, मेरी पावर अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी, मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी सबकी जरूरत है। तो अब तुम दोनों मुझे जवाब दो, क्या तुम अपनी जिंदगी इसी तरह बर्बाद करते रहोगे, नेब्यूला क्या तुम इसी तरह चीजों को चुराती रहोगी, और एरोस क्या तुम इसी तरह नशे में पड़े रहोगे, या तुम कुछ करना चाहते हो और कुछ ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो। तो अब एरोस इससे कहता है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम तुम्हारा इसमें साथ देंगे, तो हम थेनोस पर अटैक कैसे करने वाले हैं। तो इस पर नेब्यूला भी कहती है, ये सही बोल रहा है, थेनोस भले ही वीक हो गया हो
पर सीधे सीधे उसके सामने जाकर उस पर अटैक करना सुसाइड होगी। तो इस पर थेन उन्हें बताता है, तुम दोनों की बात सही है और इसीलिए हमारे प्लान में मुझे किसी चीज की जरूरत है और मैं चाहता हूँ वो तुम चुराओ और ये चोरी तुम्हें करनी होगी टेरेक्स द टेरेबल से। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अलारिस जो थेनोस की बीमारी को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है और अब थेनोस उससे कहता है, मैं इंतजार करते हुए थक चुका हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या पता चला। तो अलारिस उससे कहता है, इतनी तेज फैलती हुई बीमारी मैंने पहले कभी नहीं देखी, तुम्हारी बॉडी तो जैसे खुद को ही खा रही है और ये सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी बायोलॉजी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का गॉड कैंसर है। तो यह सुनकर थेनोस उससे पूछता है, कितना समय? तो अलारिस उससे कहता है, कितना समय? अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारे पास सिर्फ कुछ हफ्ते हैं या शायद उससे भी कम। तो यह सुनकर थेनोस गुस्से में कहता है, मेरा मतलब तुम्हें इसका इलाज ढूंढने में कितना समय लगेगा। तो यह सुनकर अलारिस चौंक जाता है और कहता है, इलाज? क्या तुम सीरियस हो? हमें सिर्फ तुम्हारी बायोलॉजी को समझने में ही कई साल या कई दशक लगेंगे और अभी तो इलाज ढूंढने की हमने बात शुरू भी नहीं की। तो इस पर थेनोस उससे कहता है, कोई तो तरीका होगा। तो अलारिस उसे बताता है कि हाँ, पर समय चाहिए, पर तुम मर रहे हो थेनोस, इसे रोका नहीं जा सकता। तो अब यह सुनकर थेनोस गुस्से में अलारिस की गर्दन पकड़ता है और उसे उठाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। तो यह सुनकर अलारिस कहता है, डिसअपॉइंटेड? तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा लगा होगा एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट का फादर बनना और उसे इस तरह बड़ा करना? तुम भले ही कितने ही बुरे हो थेनोस, पर तुम्हारी बुराई का सोर्स मैं हूँ, तुम मेरी गलती हो और अब मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें सूजन के पेट में ही मार दिया होता और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों खत्म हो गई होती। मुझे अब बेहद खुशी है कि तुम मर रहे हो थेनोस, अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं, तुम्हें तड़पते हुए सड़ता हुआ देखूं। तो अब यह सुनकर थेनोस उसे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी इस पूरी घटिया जिंदगी में पहली बार तुम मेरे फादर की तरह बात कर रहे हो। और ऐसा कहकर थेनोस अलारिस को वही मार देता है और वहां से बाहर निकलता है। लेकिन थेनोस जैसे ही उस फैसिलिटी के बाहर जाता है, कोई उस पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि थेनोस को चारों तरफ से शियार के इंपीरियल गार्ड्स ने घेर रखा है और वे उससे कहते हैं, थेनोस ऑफ टाइटन, शियार के इंपीरियल गार्ड्स द्वारा तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, हार मान लो या तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन इन इंपीरियल गार्ड की एंट्री के साथ ही ये कॉमिक बुक यही खत्म हो जाती है और स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा एपिसोड 3 में, जिसमें हमें नजर आएगी इनके बीच में एक एपिक बैटल और स्टोरी में ऐड होंगे और भी कुछ अमेजिंग कैरेक्टर्स, कुछ नए और कुछ पुराने फेमिलियर कैरेक्टर्स, जो मिलकर इस कॉमिक बुक को और अमेजिंग बनाने वाले हैं। तो उस वीडियो को अपलोड होते ही देखने के लिए आप इस चैनल से अपडेटेड रहें और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने व्यूज हमें कमेंट के जरिए बताएं। हमें बताएं कि आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लग रहा है और इन एपिसोड्स की आपकी फेवरेट मोमेंट्स कौन सी है। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।